अस्सलाम वालेकुम। आ गए ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, और आज उतर रखे हैं यार हम लोग नोवो। यार ये डुओस स्क्वाड गेम है हमारा, और ये एस मास्टर लॉबी होती है। और मैप भाई यहाँ पे लोकेशन हम चैलेंज देके बताते हैं सारे प्लेन वालों को कि भाई तुम लोग आओ और हम लोग तुम लोगों को बताएंगे इधर कि भाई किसका गेम ज़्यादा है, तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारे अलावा भी 3 से 4 स्क्वाड अलग से मैप उतर रखी होती लोकेशन हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो, गन नाम की कोई चीज़ नहीं है अपने पास यार, गन ढूंढ रहे हैं फिलहाल। और यार यहाँ पे आपके भाई का ना बहुत ही प्यारा सा क्लच भी निकलने वाला है। इस कारण आपके भाई को मिल चुकी है। सामने मेरे टीममेट के घर में होता है बंदा, क्योंकि मेरे टीममेट के पास प्रॉपर एक गन नहीं होती। तो देखो भाई अभी फाइट होगी यहाँ पे बड़ी ओपी किस्म की। और भाई नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे वही मैं देखता ही नहीं हूँ कि मेरे स्कारल का 4x लगा होता है भाई। वो तो फाक से उसने देखा नहीं मेरे को सही तरीके से, नहीं तो ये मेरे को ही भर देता उधर। यहाँ पे मैं वही IQ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मारूँ उसको जाके, लेकिन वो कभी इधर भागे उधर भागे, समझ में नहीं आ रहा होता इसके साथ क्या करेंगे। यहाँ से मैं देखता हूँ कि एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे लेट के भाई ये स्मोक कर रहा होता है ऊपर। और भाई ये इतना सियाणा होता है ना, कोई ये हॉल पे हम लोगों ने माइक खोला हुआ होता है तो हमें बोल रहा होता है स्मोक करके कि यहाँ पे आ जाओ। DBS लेके बैठा होता है, इसको डैमेज देते हैं तो ये भागता है पीछे की तरफ। वही हम भी इसके पीछे ही लग जाते हैं बिल्कुल। भाई इसको तो जाने ही नहीं देते कहीं पे भी। इस बंदे को इतना दौड़ा दौड़ा के हमने मारा है ना, तो ये एंड तक जब गेम खेलेगा ना ये दोबारा, तो नाम हमारा भूलेगा नहीं, क्योंकि इसको हमने इतना दौड़ा के मारा है एंड तक पीछा नहीं छोड़ा। देखो वहां पे भी जाके स्मोक करके बैठा हुआ कि DVS है, तो एकदम ना सरप्राइज अटैक दूंगा इनको। पहले हमने नीचे क्लियर किया कि यहीं पे कहीं कैम्प करके नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे सामने क्या होता है बॉर्ड, इसको डाउन कर देता हूँ मैं। और इसको दस्ती फिनिश नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर जब जाएंगे तो इस कैंपर को तो दस्ती फिनिश करना बनता है। मैं यहाँ पे पहले चेक कर लेता हूँ कि यहीं पे ना बैठा हुआ हो, कि यहीं पे हमारी पेटी बना दे, क्योंकि भाई अगले बार DBS से एक एक शॉट और भाई सॉन्ग जाए। कोई ये देखो सरप्राइज अटैक करने में लेटा होता है, लेकिन भाई हम इसे यहाँ पे कर देते हैं फिनिश, और दस्ती फिनिश हो जाता है बेचारा। या खेला ही होता है मेरे ख्याल से, स्क्वाड का अकेला बचा हुआ है या 1v4 खेल रहा होगा। खैर भाई इतने देर में ही ना यार दूसरी स्क्वाड रश कर देती है हम पे। और भाई हम लोग यहाँ पे हीलिंग देख लो यार, हीलिंग नाम पे कुछ नहीं है, बैंडेज है। और मैं अपने टीममेट को फटा से बोलता हूँ भाई तू वहाँ से भाई DBS उठा ले, नहीं तो हमारा ये काम उतार देंगे यहीं पे। और भाई वो सामने वाले घर में भी बंदा जा चुका होता है, तो मैंने बोला भाई यहाँ से एंगल बनेगा उसका, इसलिए मैं लेट के बैंडेजेस करता हूँ फिर। और ये बंदे भाई आसपास ही ढूंढ रहे होते हैं कि हमें हम कहाँ पे, तो हम साउंड दे देते हैं कि भाई हम यहीं पे हैं, यहाँ पे आ जाओ और हीलिंग करते हैं फटाफट से। तो भाई इतनी देर में ये बंदा ऊपर आ जाता है, इसमें काफी लेट कर देता हूँ भाई। यहाँ पे मेरे को पता था कि अब बस ये एक ही बुलेट खाए, अगर इसको एक दो बुलेट भी लगी तो ये इजिली नॉक हो जाएगा। तो मैं फिर भी फटाफट यहाँ पे हील करता हूँ मुकम्मल, की भाई पूरी स्क्वाड है, अब रश कभी भी हो सकता है हम पे। और हमारा नंबर 1 भाई IQ लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी IQ गिरी सारी अभी होने जा रही, की फेल देखना अभी तरह। ये नीचे गिर जाता है तो भाई इसको पकड़ लेते हैं, या बाइजन से ही पकड़ लेते हैं। तो इस तरह भाई अब मेरा 1v3 होने वाला है इधर, देखना ये पूरी स्क्वाड है इधर। अब देखो भाई कैसे आपका भाई 1v3 करता है। और भाई यहाँ पे ये स्क्वाड हो जाती है इजिली 5 यार, कसम से। एच भाई इस स्क्वाड 5 के लिए एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है भाई, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो चैनल पे। तो यार भाई टीममेट भी मेरा बोल रहा था यार मज़ा ही आ गया, गुड हो गया जी। खैर यार नोवो से निकल के आते हैं, और यहाँ पे भाई हमें एक बग्गी दिखती है। तो हम यहाँ पे बंदे को ढूंढते हैं कि भाई बंदा है किधर, और बंदा मेरे को भागते हुए यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे बनाएंगे हम इसकी मज़ेदार सी पेटी। और तुम्हें पता है भाई की ग्लेशियर लेवल 2 हो गई, तो भाई अब धुआं निकलता है, मैप ये टू देखो लोकेशन कितना मज़ा आता है यार देखने में, बंदे मारने से और मज़ा आता है। अब यहाँ मैं कर बैठता हूँ एक गलती,
और ये देखो अभी देखना क्या होता है, एक बंदे को हम देखते हैं ओपन में। उसने फ्री फायर पहले काफ़ी डैमेज देता, लेकिन फिर मैं उसकी फ्री फायर में आ जाता हूँ और भाई यहाँ पे मेरे टीममेट का ओपी ग्रेनेड, भाई प्री नेड उसने दिया और भाई उससे वो चला गया, भाई गुड हो गया जी। यार यार वहाँ से हीलिंग वीलिंग करके निकलते हैं और हम लोग आगे बंदे ढूंढने के लिए, भाई देख लो मुस्तकिल बंदे ढूंढ रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं इधर उधर यार। और हम लोग यहाँ जोन के सेंटर में आ बैठते हैं और हाइट भी होती है, तो भाई हाइट का काफ़ी एडवांटेज होता है पबजी में वाला। यार यहाँ पे हमें बंदे इजीली मिल सकते हैं क्योंकि सब अब यहीं पे आएंगे या यहीं से जाएंगे क्रॉस करके। तो भाई मेरे को यहाँ पे एक लेजेंड बंदा नज़र आता है जो कि हमारी तरह सोच के इधर लेटा मत हुआ जाओ होता है, और भाई पीछे, ये मेरे को एकदम जैसी देखता है मतलब ये ना मेरे को ले जाए, मैं इसको ले जाता हूँ और यहाँ ये दस्ती फिनिश हो जाता है भाई। खैर यहाँ पे एक बंदा आया होता है तो भाई इसको भी मारते हैं इजिली, और ये बॉर्ड निकल आता है भाई। खैर अब ये पहला बॉर्ड होता है हमारा यहाँ पे भाई, और ये भाई जो भाई थे सामने आए हुए थे ये किल फीड में, हमारा और इनका ही नाम चल रहा था बस। तो भाई हमारा टीममेट भाई इसको पकड़ लेता तो हमारा इजिली इस पर अब रश आराम से कर सकते थे। मैंने पहले से भाई ग्रेनेड निकाल ली है यहाँ पे कि टी ग्रेनेड फेंकते हैं क्या कि ये ऊपर ना आ सकें और हम इनके इजिली रश कर दें। अब मेरा टीममेट गया राइट से फुल और मैं लेफ्ट से, क्या कि ये दोनों तरफ से फंस जाएं आराम से इजली हम इनको ले लें। यार यहाँ पे सारा डैमेज मैं देता हूँ, लास्ट की बुलेट मार के मेरा टीममेट एक किल ले जाता है मेरे आंखों के सामने से जो कि बहुत बुरा लगता है। और ये बंदा आता है तो भाई मैं इसको भी इजीली डाउन कर देता हूँ। एक बंदा इसका बचा होता है तो मैं पहले हील करता हूँ, मेरा पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ हो। और लेफ्ट पे उसका बंदा होता है यार, तो मेरा टीममेट मेरे ख्याल से स्पॉट कर लेता है उसको और पेल देगा। और यहाँ गेम को मैं काफ़ी कट कर देता हूँ यार, क्योंकि ना एक एनाकोंडा ने भाई हमारे टीममेट को ना जहरीला एनाकोंडा ने पूरा ही कर दिया था यहीं पे। तो मैं अब इनसे बचे बचते बचाते यार निकला हूँ जोन में, और जोन में देखना अजीब ही तफाव होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे देखना मेरे को बंदा स्पॉट कैसे होगा और देखो मैंने लोकेशन है कैसे लगा। मैंने एक अंदाजे से ऐसे ही मारा यार यहाँ पे बंदा हो सकता है, क्योंकि ये ना मेरे को ऐसा लगा यहाँ पे कोई चीज़ मूव कर रही है, तो मैंने यहाँ पे रैंडम फायर दिए तो ये मेरे को बंदा इस बंदे को कर देते हैं नॉक। और इसका अब दो बंदे बचे हुए हैं, एक बंदा वो जो राइट वाला है और एक बंदा इसी के साथ लेफ्ट वाला इसका ही टीममेट है वो उसको फायर देता है। तो मैं भाई यहाँ से इसको फिनिश कर देता हूँ उसके टीममेट को, ये इसलिए ये डुओ फिनिश हो जाता है। और लास्ट वाला बंदा बचा होता है तो भाई ये स्मोक कर रहा होता है, भाई अक्ल इस्तेमाल कर रहा होता है, और इसकी अक्ल इस्तेमाल करना ही इसको भारी पड़ जाएगी अभी देखना बस आप। और भाई किस किस ने लेजेंड बंदा लेफ्ट से आते हुए देखा है, देखो एनाकोंडा बनते हुए आ रहा है, तो भाई हम स्मोक में ही एडजस्ट कर देते हैं इस बेचारे को। ऐसे मिलता है यहाँ पे हमें विनर विनर चिकन डिनर, और भाई ये गुड हो जाता है हमारे लिए, एक सस्ता सा गेम प्ले बन जाता है हमारा।